बहुत जल्दी बनाऊंगा। बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। चलो अपन शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए 2 प्याज 3 कच्ची मिर्ची थोड़ा सा धनिया पत्ता टमाटर थोड़ा सा दही थोड़ा ऑयल थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा गरम मसाला पाउडर थोड़ा टेस्टिंग साल्ट थोड़ा चिकन इसमें नमक मसाला मिलाकर रखने दिए थोड़ा चावल इसे 15 मिनट पहले भिगा कर रखने दिए। मैं 1 ग्लास चावल को 2 ग्लास पानी दीजिए थोड़ा नमक ले दिए। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। पहले कुकर को रखने दिए कुकर गर्म होने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालने दिए ऑयल गर्म होने के बाद प्याज को डालने दिए उसके बाद कच्चा मिर्ची डालिए उसे अच्छे से तलने दिए तलने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट डालने दिए अच्छे से फ्राई करने दिए उसके बाद चिकन को डालिए उसके बाद गरम मसाला पाउडर डालने दिए अच्छे से मिलाने दिए उसके बाद टमाटर को डालिए उसके बाद टेस्टिंग साल्ट को डालने दिए अच्छे से मिलाने दिए उसके बाद दही को डालिए चलो अच्छे से मिलाकर थोड़ा देर पकाने दिए थोड़ा देर ढक्कन लग कर पकाने दिए उसके बाद चावल को ढक्कन रखने दिए अच्छे से पकने के बाद धनिया पत्ता डालिए बाद 1 ग्लास हिसाब से का पानी डालिए पानी को डालने के बाद ढक्कन लगकर अंदर थोड़ा सा नमक डालिए पीछे ढक्कन लगकर छोड़ने दिए पानी उठने के बाद उसमें चावल को डालने दिए
चावल को डालने के बाद अच्छे से मिलाने दिए। उसके बाद ढक्कन को ढककर 2 मिनट आने तक रखकर उसके बाद स्टोव ऑफ करने दिए। उसके बाद अच्छे से मिलाने दिए। उसके बाद प्लेट में सर्व करने दिए। गरम गरम चिकन बिरयानी रेडी हो गई है। इसके साथ थोड़ा कचम्बर बनाएंगे। इसके लिए चाहिए थोड़ा प्याज, थोड़ा कच्चा मिर्ची, थोड़ा धनिया पत्ता।